गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज से आपके फिज़िकल की वीडियो भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? फिज़िकल के वीडियो जो है वो भी स्टार्ट हो गए बनाना, तो आपके पास आज से फिज़िकल की वीडियो भी आ जाएंगे। वीडियोज़ आ गए लेकिन उनको पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आपके पास वीडियोज़ आ रहे हैं लेकिन उनको आप खोल कर देख भी नहीं रहे। तो वीडियोज़ देखने हैं, अच्छी तरह समझने हैं, डाउट हो तो पूछने हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो फिज़िकल के अंदर जो हमारा सेकंड फर्स्ट टर्म के अंदर सेकंड चैप्टर है स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन, वो वाला चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा पहले, क्योंकि ये चैप्टर, क्योंकि जनरली मैं जो पढ़ाऊंगा वो बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ाऊंगा ओनली। फिज़िकल के अंदर जो बायोलॉजी का पोर्शन है, क्योंकि फिज़िकल और बायोलॉजी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो वो पोर्शन मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको, ठीक है? तो सेकंड चैप्टर मैंने उठाया है स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन। देखो, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स जहाँ ज़रूरी है उसके साथ साथ उतनी ही डाइट, प्रॉपर फूड, एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्पोर्ट पर्सन जो होता है वो स्पोर्ट्स पे तो पूरा फोकस करते हैं बट अपनी डाइट पे पूरा फोकस नहीं करता। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि स्पोर्ट जो है एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती है, और फिज़िकल एक्सरसाइज जो है उसके अंदर हमारी एनर्जी बर्न होती है, और जहाँ एनर्जी बर्न होती है तो एनर्जी को वापस से गेन करने के लिए हमें प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि एक स्पोर्ट पर्सन है उसको किस तरह की बैलेंस डाइट, किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए ताकि वो अपना जो स्पोर्ट, जिस स्पोर्ट में वो इंटरेस्ट है उसका, वो स्पोर्ट वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेकंड। टर्म फर्स्ट के अंदर चैप्टर सेकंड दिया हुआ है, वैसे जो मेरे पास बुक है उसके अंदर चैप्टर थर्ड है, ठीक है? चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। फर्स्ट इसका टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है? तो इसके अंदर ये दे रखा है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, ठीक है? बैलेंस डाइट ये हम कई क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, ये तो हमें जनरली पता होता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट की जो डेफिनेशन है वो तुम्हारी फिजिकल की बुक में क्या दे रखी है, एक बार इसको देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, अ बैलेंस डाइट रेफर्स टू द इनटेक ऑफ एडिबल्स विच कैन प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इन डेफिनेट अमाउंट इन विच दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। मतलब सिंपल सा यही है कि हम ऐसे एडिबल्स लें, ऐसा फूड लें जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में जितने फूड न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो प्रेजेंट हो। कितने तरह के फूड न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं? हम फूड तो अलग अलग तरह का खा सकते हैं, ठीक है? सबका फूड अलग अलग तरह का होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अलग अलग कोने में अलग अलग तरह का फूड की वैरायटी हमें मिल जाएगी। साउथ में जाएंगे तो अलग फूड होगा, नॉर्थ में जाएंगे तो अलग होगा, ईस्ट में अलग फूड होगा। तो हर जगह फूड की वैरायटी अलग अलग होती है, लेकिन उस फूड के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेम होते हैं। अब मतलब क्या हुआ इसका कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स सेम होने का मतलब ये हुआ कि टोटल मिला के जो मोस्ट ऑफ एसेंशियल हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है 5-6 काउंट कर लेते हैं, वाटर को भी काउंट कर लेते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और वाटर है, वाटर। ये चार जो हैं इनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लार्ज या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है या वाटर है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिए जाते हैं और इनको फिर बॉडी के अंदर सिंपल फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, इसके अलावा हो सकते हैं हमारे मिनरल्स और विटामिन्स, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको हम बोलते हैं विटामिन्स।
ठीक है। तो इस तरह से कितने हो गए हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया और विटामिन्स हो गए। हमारे जितने भी हम फूड लेते हैं सबके अंदर ये प्रेजेंट होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि किसी फूड के अंदर विटामिन ज़्यादा है तो किसी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है तो किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बाकी फूड डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट तरह के फूड हो सकते हैं, बट उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, क्लियर। अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, ठीक है। हमें पता है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है, अभी जो फूड है वो जनरली क्या हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा जंक फूड हो चुका है। ऐसा फूड जो जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो हैं लेकिन इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, देखो जनरली क्या होता है, बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स हर तरीके के होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही, कि हमारा जो फूड है उसके अंदर एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट हो तो वो बॉडी के लिए जो है वो एक तो एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो वो हमारे लिए बैलेंस डाइट नहीं होगी। बैलेंस डाइट का मतलब ही यही है कि फूड के अंदर पाए जाने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स उस फूड के अंदर प्रेजेंट हैं तो हमारी बैलेंस डाइट है, ठीक है। अब कोई चीज़ हम, जैसे हम मैंने बोला जंक फूड, जंक फूड के अंदर फैटी फूड भी वो बोलते हैं जो जिनके अंदर फैट ज़्यादा है, तो फैट एक न्यूट्रिएंट तो है लेकिन हर चीज़ लिमिट में होना ज़रूरी होता है, तो फैट के अलावा उसके अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट जो है क्या कम है, तो इस तरह से ये जो फूड है हमें क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल, वाटर सब करेक्ट पोर्शन में क्या हो, प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है कि फूड के अंदर ओनली फैट ही फैट है या प्रोटीन ही प्रोटीन है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स बैलेंस डाइट इज डेट डाइट विच इज कंसिस्टेड ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द फूड इन एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट क्वान्टिटी एंड क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स। जिस किसी पर्सन की, हर पर्सन की क्या होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, ठीक है। एक स्पोर्ट पर्सन को एक बैलेंस डाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उसका अंदर, उसके अंदर जो है पूरी बॉडी के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज जो है या फिजिकल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, उस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग जितना वो मेहनत कर रहा है, जितना वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है, एफिशिएंसी उसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत तो ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं बट बैलेंस डाइट ले नहीं रहे, ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे जिम जाने वाला है जो पर्सन होता है, उनको मसल्स ग्रो करने के लिए उनको प्रोटीन की ज़्यादा नेसेसरी है, तो जनरली वो प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेना तो उनको हर तरह की डाइट लेनी लेते हैं लेकिन प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होगा, मसल्स ब्रेक होंगे, मसल्स वापस से ज्वाइन होने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इनफैक्ट एवरी इंडिविजुअल्स डज नॉट रिक्वायर सेम टाइप ऑफ डाइट, इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एसेंशियल टू नोट फॉर बैलेंस डाइट, ठीक है। इट मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट इन द एडुकेट अमाउंट। सेकेंड पॉइंट है देयर मस्ट बी डेफिनेट प्रपोर्शन बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फूड। द प्रॉपर रेशियो बिटवीन प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट शुड बी 1:1:4। मतलब बॉडी के अंदर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशो होगा क्या है, 1:1:4। मतलब कार्बोहाइड्रेट की हमें बॉडी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्यों, बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। बॉडी में एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और अगर नॉर्मल पर्सन से अलग पर्सन, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं या जो जिम जाने वाले हैं या जो एथलीट्स हैं, उनको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, फिर वहाँ पर रेशो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। द फूड शुड बी ईजिली डाइजेस्टेबल, फूड ऐसा होना चाहिए, प्रोटीन भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं लेकिन फूड इस फॉर्म में ले रहे हैं कि हमें डाइजेस्टिव बहुत कम हो रहा है। कुकिंग ऑफ फूड इज नेसेसरी बिकॉज इट स्टेबलाइज फूड स्टफ,
स्टराइज का मतलब होता है कि उनमें से माइक्रोब्स को किल करना, फूड में से माइक्रोब्स को किल करना, उसी को बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो फूड को कुक करने के पीछे मकसद यही होता है कि फूड के अंदर जो माइक्रोब्स है उनको हम किल कर सकें एंड मेक इट पैलेटेबल एंड ईजिली डाइजेस्टेबल, जिससे फूड पैलेटेबल मतलब स्वादिष्ट भी बनता है और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फूड को कुक करके हम उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं, पैलेटेबल बना सकते हैं, खाने योग्य अच्छा बना सकते हैं और उसके अलावा उसको हम ईजिली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये था बैलेंस डाइट की डेफिनेशंस जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो डेफिनेशन है बैलेंस डाइट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग्स ऑफ न्यूट्रिशन, मीनिंग्स ऑफ न्यूट्रिशन इसकी हम बात करते हैं। एवरी इंडिविजुअल्स इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ, है ऐसा, सब यही चाहते हैं कि मैं हमेशा क्या रहूँ, हेल्दी रहूँ। बिकॉज ऑफ हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है इन एनी फील्ड। जब तक आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती, आप हेल्दी नहीं है, मेंटली सोशली और फिजिकली वेलबींग नहीं है, देन यू कांट डू योर वर्क परफेक्टली। ये तो हमें पता है। फूड इज़ द मेन बेसिस फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, सो द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज़ एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल। जनरली फूड एंड न्यूट्रिशन आर कंसिडर्ड सिनोनिम टू वन अनदर, वेयर एज इट इज़ नॉट प्रॉपर टू थिंक इन सच अ वे। इन फैक्ट फूड इज़ रिलेटेड टू ऑल दोज सब्सटांसेज थ्रू विच ह्यूमन बींग्स कैन बी रिमेन अलाइव और सर्वाइव बाई कंज्यूमिंग दैम। फूड इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटांसेज, फूड की डेफिनेशन देखो क्या दे रखी है, फूड इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटांसेज, अंडरलाइन कर लेना इसको, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। फूड इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटांसेज विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, वेयर एज न्यूट्रिशन इज डायनेमिक प्रोसेस इन विच बॉडी इज मेड हेल्दी बाय द कंजप्शन ऑफ फूड। न्यूट्रिशन की प्रोसेस हम पढ़ के आए हैं भाई 11th, 10th क्लास के अंदर, न्यूट्रिशन को हम बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हैं। द इंटेक ऑफ फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। इनफैक्ट प्रोसेस ऑफ नरिशिंग और बींग नरिश्ड, स्पेशली द प्रोसेस बाई विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एसिमिलेट्स फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वही बात आ गई कि फूड को यूज़ करके एसिमिलेट्स का मतलब फूड को यूज़ करके, इनटेक करके हम हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारी बॉडी का करें, हमारे टिश्यू को हम क्या करें, रिप्लेसमेंट करें, नए नए टिश्यू बने, मतलब नए टिश्यू बनने का मतलब हमारी बॉडी का क्या हो, डेवलपमेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। ठीक है, साइंस ऑफ फूड और फूड का हमारी हेल्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सारा हम न्यूट्रिशन के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड डेट न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड विच डील विद द डायनेमिक प्रोसेस इन विच द फूड कंजर्व्ड इज डाइजेस्टेड, न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू फॉर यूटिलाइजेशन एंड वेस्ट आर डिस्पोज ऑफ द बॉडी। 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर याद आ गया होगा ये सारी चीज़ें सुन के, मेरे ख्याल से तो सब लोग पढ़ के आए, चाहे मैथ वाला हो चाहे बायोलॉजी वाला हो, सब लोग पढ़ के आए इसको। लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या देखा था, यही चीज़ें। फर्स्ट टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन की 5 प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन। वही बोल रहा है ये, फूड को इनटेक करना इनगेशन, फूड को डाइजेस्ट करना डाइजेशन, फूड को अब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब फूड को यूज़ करना यूटिलाइजेशन। ठीक है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और टिश्यूज़ और सेल्स के थ्रू उसको यूज़ करना यूटिलाइजेशन, और फिर उसके थ्रू जो वेस्ट निकला है उसको बाहर निकाला उसको इगेशन। ठीक है, तो यही सारी बातें इसने बताई है। ठीक है, तो ये था हमारा बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में छोटा सा डिस्कशन, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा। थैंक यू।